सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। जो कि सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो उसका आइडियल स्टेट था, जो बेस था उसका आइडियल स्टेट का, उसमें जस्टिस और आइडिया की थ्योरी उसने प्रोपोगेट की थी, जिससे कि वो अपना आइडियल स्टेट का बेस बना सके। फिर मींस क्या क्या उसने रखे थे टू हैव आइडियल स्टेट, तो उसने कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन एंड कम्युनिज्म की थ्योरी प्रोपोगेट की थी। ठीक है, और उसने फिर बताया था कि मोनार्की इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो सुना सुना सा लग रहा है या सुना सुना सा लग रहा है? ठीक है, सुना सुना सा लग रहा होगा डेफिनेटली, अगर आपने रिवीजन किया होगा या फिर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों कहता है प्लेटो? प्लेटो इस वजह से कहता है कि जो आइडिया है वो एक्चुअली किसी ऐसे बंदे के पास ही जाएगा आएगा जिसके पास रीज़न होगा, और वो चुनिंदा लोग ही होंगे। ठीक है, और जो जिसके पास रीज़न होगा वो नॉलेज का सिंबल होगा, और ओनली ही विल नो कि हाउ टू गवर्न द स्टेट। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ स्टेट मतलब जो रिवॉल्यूशन है वो बेसिकली उसको काउंटर करने के लिए प्लेटो ये चाहता था कि रिवॉल्यूशन ना आए, बट अगर आए तो क्या होगा। सबसे पहले प्राइम मोटिव प्लेटो का यही था कि यूनिटी बरकरार रहे, जिसकी वजह से वो यूनिटी और हारमोनी के लिए स्टेट में मिथ ऑफ मेटल्स लेके आता है, जिससे कि हर एक बंदे को पता रहे कि भाई ये तो किस कैटेगरी का इंसान है। फिर उसके बाद वो एजुकेशन की स्कीम लेके आता है, सो दैट कि लोगों को लगे कि भाई हाँ, एक पर्टिकुलर फिनोमिना है जिसके बेसिस पे फिलोसोफर किंग्स बनते हैं, और उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, ओबीडियंस हमें उसकी तरफ रखना चाहिए। और ये एजुकेशन जो स्कीम है उसके लिए ही कंट्रोल्स द मासेस टू जनरेट द कंसेंसस, जैसे मैंने आपको बताया कि उन लोगों को ये ना लगे कि भैया कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा उठ के कोई फिलोसोफर किंग बन गया और हमें उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटो बोलता है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है वो नॉन इंटरफियरेंस होगा, उसमें इंटरडिपेंडेंस होगा, और हारमोनी और पीस मेंटेन रहेगी। तो इससे क्या होगा कि जो स्टेट में है वो रिवॉल्यूशन का चांस कम होगा। जैसे मैं पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल जाएगी, बट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, दैट विल लीड टू रिवोल्ट। ठीक है, तो यहीं पे भी वो यही चाहता है कि इस वजह से उसने ये थ्योरीज प्रोपोगेट की, सो दैट रिवॉल्यूशन के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, बाय दीज थ्योरीज, जैसे कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया, आइडियल स्टेट के लिए जस्टिस और आइडिया लेके आया, और फिर मींस के लिए उसने अपनी जो मींस के लिए उसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिज्म पुट फॉरवर्ड रखी लोगों के सामने। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि सो अगर प्लेटो को लगता है कि अगर इन फ्यूचर कंडीशन अराइज होती है, गार्जियंस अगर खुश नहीं होते हैं अपने विजडम से, ठीक है, सो दैट कि अगर वो अपने आइडिया को सर्व करने में उनको खुशी नहीं मिलती है, एंड दे विल नॉट फील हैप्पी विद देयर विजडम्स एंड टू सर्व द कॉमन गुड, और इफ़ दे ल्यूड, और अगर वो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ के पीछे भागने लग जाते हैं तो क्या होगा। तो उसमें होगा ये कि फाइट अमंग द गार्जियंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट ओनली वन फिलोसोफर किंग हु रूल्स। ठीक है, कोई भी बहुत मतलब दो चार होंगे उसमें। ठीक है, अगर दो अगर उसमें मान लीजिए कि ल्यूड हो गए मटेरियलिस्टिक वेल्थ में या फैमिली को प्रॉपर्टी को रखने के लिए, तो दो वो चाहेंगे कि उनको वापस खींचा जाए, उनकी मेंटालिटी को चेंज किया जाए और उनके ब्रेन को दोबारा से लॉजिकल रीज़न के पीछे दौड़ाया जाए, सो दैट दे कन्वर्ट देमसेल्व्स टू रूल। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात है इसमें कि रेवोल्यूशन फ्रॉम विद इन नॉट फ्रॉम द सोसाइटी, तो फिलोसोफर किंग्स के ही लिए रेवोल्यूशन उसमें आएगा, ना कि सोसाइटी के लिए,
क्या आप बता सकते हैं कि क्यों सोसाइटी में रिवॉल्यूशन नहीं आएगा और फिर सिर्फ फिलोसोफर किंग के इंस्टीट्यूशन से ही रिवॉल्यूशन आएगा? ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस को, क्योंकि हुआ ये कि सोसाइटी को तो एक्चुअली पहले ही आप लोग कंट्रोल और कंडीशन कर चुके हैं बाय हिज प्लेटोज वेरीज थ्योरीज, एजुकेशन से, कम्युनिज्म से, आइडिया से, ठीक है, और आइडियल स्टेट से। तो वो तो पहले से ही कंडीशनड हैं, कंट्रोल्ड हैं, तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मोनार्की डिग्रेडेड टू बिकम ओलिगार्की, ओलिगार्की। तो जो मैंने बताया था कि जब फिलोसोफर किंग्स अगर माइट भी अगर वो लोग ऐसा होने लगे दे ल्यूड विद द मटेरियल पोजेशन, देन मोनार्की जो इस्टेब्लिश्ड है वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जो डिप्राइव्ड मासेस हैं उसके लिए वो लोग लड़ने के लिए जाएंगे, जो कि भेजी के फिलोसोफर किंग बढ़ चुके हैं ना दो उसमें और दो उसमें, जैसे मैंने बताया आपको। तो वो लोग कुछ भेजेंगे लोगों को लड़ने के लिए, फिर लोगों में अंदर आएगा यार ये तो हमें आपस में ही लड़वा रहे हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड, और हम सेम सिचुएशन में पहुंच गए हैं जैसे हम स्पार्टाज और एथेंस में थे। तो अब फिर उस स्टेज में आके उनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, और फिर जो मासेस हैं वहाँ के जो एथेंस के वो यूनाइट होंगे, और यूनाइट होंगे अब फिलोसोफर किंग के अकॉर्डिंग के अगेंस्ट, देन नथिंग विल वर्क एंड कंट्रोल एंड कंडीशनिंग, जो कि कंडीशनिंग थी वो बिल्कुल कुछ काम नहीं आएगी, और जो कंट्रोल है सारी जो थ्योरीज हैं वो तरी की तरी रह जाएंगी प्लेटो की। फिर उसके बाद जो पॉपुलर रिवोल्यूशन आएगा वहाँ पे, और दैट विल लीड्स टू डेमोक्रेसी, जो कि प्लेटो नहीं चाहता है। ठीक है, अब होगा क्या कि भाई जो मॉब है, मॉब आया, उसने क्रश किया अथॉरिटी को, फिर उसमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, पॉपुलर रेवोल्यूशन आया, उसमें से भी एक रिवोल्यूशनरी पार्टी बनेगी, पार्टी से में एक लीडर आएगा, लीडर डेस्पॉट बन जाएगा। डेस्पॉट क्यों बनेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, बिकॉज कि ही प्लेटो के अकॉर्डिंग कि वो मैड हो जाएगा बेसिकली। क्यों हो जाएगा मैड, जस्ट बिकॉज कि उसने अब तक इतनी पावर देखी नहीं है, ही इज़ नॉट हैविंग, ही डू नॉट वांट टू हैव फ्रेंड, जस्ट बिकॉज कि कोई उसकी पावर छीन के ना भाग जाए, ही विल रिमेन क्रूअल पर्सन, क्योंकि उसको अपनी पावर को मेंटेन करना है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही रिड्यूस्ड हिज कैपेसिटी ऑफ नॉलेज, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कीम से नहीं आता है, वो पॉपुलर रेवोल्यूशन से आता है। ठीक है, तो ही विल रूल बाय फोर्स, सो लीड टू वर्स फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन में हम आगे देखते हैं कि व्हाई प्लेटो हेट्स डेमोक्रेसी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमने पहले भी मतलब जैसे थ्योरी में ये देखा कि भाई वो ज़्यादा कहते हैं कि पॉपुलर रिवोल्यूशन आता है, फिर एक लीडर इमर्ज करता है एंड ही बिकेम मैड। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ही हेट्स डेमोक्रेसी। और आपको एक इंसिडेंट भी याद होगा कि जस्ट बिकॉज जब एथेंस में डेमोक्रेसी थी तो उसके जो टीचर थे सोक्रेट्स उसको भी हेमलॉक दे दिया गया था, और एथेंस में बहुत ज़्यादा एनार्की आ गई थी, क्योसनेस आ गई थी, लोनेसनेस आ गई थी, लोग परेशान थे, और वो आइडियल स्टेट को ढूंढने के लिए मतलब अपनी थ्योरी को जस्टिफाइड करने के लिए आइडियल स्टेट बनाना चाह रहे थे। तो प्लेटो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द एरोगेंस ऑफ मासेस। ठीक है, सो थिंक ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं, एरोगेंस ऑफ मासेस क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि लोग अगर उनसे पूछो कोई आर्ग्यूमेंट, अगर उनसे मतलब कुछ बात पूछो तो वो यही जाहिर करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ठीक है, हर एक को ऐसा लगता है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, सो दैट्स व्हाई इज सेइंग एरोगेंस ऑफ मासेस, थिंक ऑफ देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि वो केवल अपने लिए ही सोचते हैं, जो कि स्टेट की ज़्यादा ज़रूरत है उनकी, उसके लिए नहीं सोचते हैं। ठीक है, एंड दिस विल लीड टू मीडियोक्रेटी, मीडियोक्रेसी। ठीक है, तो वो डाउनफॉल है, वो हो जाता है सोसाइटी में। ठीक है, और डेमोक्रेसी इज़ टॉलरेंट इन सर्टेन एक्सटेंट। मैंने पूछा कि भाई
प्लेटो। अब ये तो बताओ कि भैया जो डेमोक्रेसी है वो टॉलरेंट भी तो है। तो प्लेटो बोलते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी टॉलरेंट है, पर वो सर्टेन एक्सटेंट में टॉलरेंट है। तो वो बोलते हैं कि मैंने कहा पूछो कैसा है कि भैया तुम बता दो। तो वो बोलते हैं कि अगर आपके व्यूज़ एक्सेप्ट करते हैं मेजोरिटी व्यूज़ से तो ठीक बात है, और अगर अगर आपके व्यूज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं विद मेजोरिटी व्यूज़, देन जो टॉलरेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। जो टॉलरेंस है वो सोसाइटी में जो माइनॉरिटीज़ के व्यूज़ हैं वो मेजोरिटी से नहीं मिलेंगे, देन दिस टॉलरेंट विल स्टॉप और वो दे विल इम्पोज देयर ओन व्यूज़। ठीक है, सो ये था थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड होप यू लाइक इट। अगर कोई समस्या आती है तो डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।